step to the fundamentally resisted combination or connection. Three register combination दो तरीके से कैटेगराइज होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा कॉम्बिनेशन की, और फिर हम बात करेंगे स्टार कॉम्बिनेशन की. स्टार का एक और नाम है वाई कॉम्बिनेशन. एक्चुअल में यहाँ पे थ्री रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं हम कि वो एक क्लोज पाथ बनाए. हमारे पास थ्री टर्मिनल्स होंगे, हम टर्मिनल्स को इस साइड भी निकाल सकते हैं. यहां भी हमारे पास थ्री टर्मिनल्स होंगे लेकिन कनेक्शन स्टार बनाएगा. हम यहां से थ्री टर्मिनल्स की बात कर सकते हैं. इन डेल्टा कनेक्शन द थ्री रजिस्टर्स जनरली इस नोड को नोड वन बोला जाए, इस नोड को नोड टू बोला जाए, नोड थ्री बोला जाए, इसको नोड वन और नोड टू के बीच का रजिस्टर बोला जाता है, इसीलिए इसको आर वन टू बोलते हैं. इसे नोड टू नोड थ्री का रजिस्टर आर टू थ्री बोलते हैं, और इस रजिस्टर को नोड वन और थ्री का रजिस्टर या नोड थ्री और वन का रजिस्टर आर वन थ्री या आर थ्री वन बोल सकते हैं. सिमिलरली ये पहला रजिस्टर आर वन है, आर टू है और ये आर थ्री है. How can you define now the delta connection and the star combination? The delta combination of register is a combination in which three registers are connected in such a way that they form a closed path. And the star connection of the registers is the three register combination in which registers are connected at a particular point. One of the end is common end. In sab ka ek end common end hai. और अदर एंड गिव्स थ्री टर्मिनल. इन तीनों रजिस्टर का एक एंड कॉमन है और दूसरा एंड थ्री टर्मिनल्स देने का काम करता है. ट्रांसफार्मर्स में जनरली हम इस तरीके का कनेक्शन यूज करते हैं, वहां पे रजिस्टर लोड में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमें थ्री फेजेस की जरूरत होती है. बाद में हम कनेक्शन को भी पढ़ लेंगे जब हम एसी सर्किट एनालाइज करेंगे. अभी मैं एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ. They are interconvertible. Star can be converted into delta. Like how can you consider delta? Delta can be converted into star, and star can be converted into delta. इनका interconversion possible है. तो हम लोग इनका interconversion देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे delta का star में conversion. Conversion of delta connected resistors into star. हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं. डेल्टा को स्टार में बदलना है, इसका सिंपल सा मतलब है हमारे पास डेल्टा सर्किट गिवन है और हमें ये सर्किट ऑब्टेन करना है. यहाँ पे हमें क्या नोन है? आर वन टू नोन है, आर टू थ्री नोन है, आर वन थ्री नोन है, और हमें चाहिए क्या? हमें इसको इक्विवेलेंट रजिस्टर्स में कन्वर्ट करना है, जिसमें से हमें आर वन आर टू और आर थ्री मिले. किसके फॉर्म में मिले? ऑब्वियसली इन तीन रजिस्टर के फॉर्म में मिले. ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहला हम काम करते हैं ए और बी के बीच में रजिस्टेंस निकालते हैं. हम इसे बोलेंगे रजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी. ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस यदि हम निकालते हैं तो हमें एक छोटा सा वर्क करना होगा. हमें ए टर्मिनल और बी टर्मिनल कंसीडर करना होगा, सी टर्मिनल को ओपन मानना होगा. क्या करना होगा बच्चों? ए और बी को कंसीडर करना होगा, सी को ओपन मानना होगा. तो क्या होगा इससे? ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर जो मिलेगा वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा. मतलब आर वन थ्री प्लस आर टू थ्री. मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह?
डायरेक्ट लिखता हूँ मैं R13 प्लस R23, ठीक, ये सीरीज में है। फिर पैरेलल किसके साथ है? R1। और डिवाइड में किससे डिवाइड करना होगा हमें? दोनों के प्लस से, मतलब ये इसका प्लस प्लस ये R12 प्लस R23 प्लस ये मिल जाएगा हमें R18। रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। यदि मैं अंदर के सर्किट को कंसीडर करूं कुछ समय के लिए, जिसको मैंने ब्लूइस मार्कर से इंडिकेट किया है, तो ए और बी का मतलब क्या होगा? R1 प्लस R2 क्या मतलब होगा बच्चों? इसी तरीके से मैं वर्क करना चाहूंगा RBC। बोलो RBC क्या होना चाहिए? बी कनेक्ट कंसीडर किया मैंने और सी कंसीडर किया और ए को मैंने ओपन मान लिया, क्या होगा? R12 प्लस R13 इंटू R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R13, ठीक है। और RBC के क्रॉस यदि मैं ब्लूइस रेजिस्टर्स को कंसीडर करो तो क्या मिलेगा? R2 प्लस R3, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूं कौन से रजिस्टर्स पर, हाँ, RAC पर क्या मिलना चाहिए? A और बोलो जल्दी, R12 प्लस R23 इंटू R13 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R1। और यदि मैं लुइस रजिस्टर कंसीडर करता हूँ A और C के क्रॉस, R1 प्लस इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया जाए तो ये दोनों RAB को इंडिकेट करते हैं, दोनों आपस में इक्वेट किए जा सकते हैं, दे कैन बी इक्वेटेड। तो यहां से हमें मिलेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R13 इंटू R12 प्लस R12 इंटू R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R13। इसे हम इक्वेशन नंबर A नाम देते हैं। सिमिलरली यदि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे क्योंकि तो इनका LHS इक्वल है, RHS इक्वल हो जाएगा, तो R2 प्लस R3 मिल जाएगा मुझे, बताओ, R12 इंटू R23 प्लस R12 इंटू R13 इंटू R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R1। इसे हम बी इक्वेशन अगेन, यदि हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? LHS इक्वल तो RHS इक्वल R1 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? R12 इंटू R13 प्लस R123 इंटू R13 R12 प्लस R23 प्लस R13 या 31 भी बोल सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन इक्वेशन नंबर सी है। हमें R12 ऑलरेडी पता है, हम इन दोनों की मदद से R1 माइनस R2 निकाल लें, दोनों को ऐड करें, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि R1 माइनस R2 मिल जाए? इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा R1 माइनस R2। इसके इक्वल होगा R1 माइनस R2 R12 इंटू R13 R12 इंटू R13 प्लस R23 इंटू R13
minus R12 into R23 minus R13 into R23 और डिवाइड में बेटा यही आ जाएगा R12 plus R23 plus R1. इक्वेशन A और D को हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 2R1 is equal to, फिर से ऐड हो जाएंगी R13 R12, यहाँ पे है कहीं पे R13 R12, R12 R23, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और क्या कैंसिल आउट होगा, और कुछ होगा कैंसिल आउट, जल्दी देखो, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, हमें क्या मिल गया R12 R13, दो बार मिल गया, क्या लिख देंगे 2R1 2R12 R13 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R, तो टू टू कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमें मिल गया R1 is equal to, मतलब ये रजिस्टर, क्या मिल गया ये रजिस्टर बच्चों, ये रजिस्टर किन किन से कनेक्टेड है, इन दोनों से, क्या मिल गया R12 into R13 divide by this, 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 एक बार और समझाऊंगा मैं, इस रजिस्टर की वैल्यू की बात हमने की, ये किन किन से कनेक्टेड है, इससे और इससे, तो क्या मिल गया, ये मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइड बाय R13, इज इट क्लियर, सिमिलरली मैं बात करूं R2 की, R2 मुझे क्या मिलेगा, ऑपरेशन तो कुछ ऐसे ही हमें करने हैं, पर बार बार हम नहीं करते, हम सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन ओके R2, जैसे मिलेगा R2 ये वाला है, R12 into R23, R12 into R23 डिवाइड बाय R12 plus R23 plus R1, ऐसे बच्चों R3 हमें मिल सकता है, किससे कनेक्टेड है, R13 और R23 से, R23 into R13 divide by R12 plus R23 plus R1, तो हमारा पर्पस भी यही था कि हमें R1, R2, R1, R2 और R3 किन टर्म्स में मिल जाए, R12, R23 और R13 के टर्म्स में मिल जाए, तो राइट नाउ आई हैव R1 इन द टर्म ऑफ R12, 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 R23 और R31, R31 और R13 एक ही बात है, तो हमने R1 को, R2 को, R3 को किस टर्म में ऑब्टेन कर लिया, R12, R23 और R13 के भी टर्म में, और यही हमारा पर्पस था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का, नोट करो इसको, स्टार टू डेल्टा का मतलब है हमें स्टार गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, R3 गिवन है, और हमें चाहिए थ्री रजिस्टर्स, हमें चाहिए कौन कौन से, R12 और R1, इसका डेरिवेशन करना है, हमें R1, R2, R3 बताया, हम इनका डिवीजन कर देते हैं, जब मैं R1 और R2 को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देख के बोलो, R12, R12 कैंसिल आउट, ये नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट, R13 डिवाइड बाय R, ठीक है, एक और काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दें, क्या मिलेगा बताओ, R2 डिवाइड बाय R3, क्या मिलेगा, डिवाइड बाय R3 डिवाइड बाय R3, R3 से कर सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता, क्या चाहिए, R3 के साथ R2 3 चाहिए, क्यों क्यों लिख सकते हैं, देखो गलती से छः से लिख गया, R2 डिवाइड बाय R3 क्या आएगा,
जो 3-3-2 ट्रे की बात है दोनों कैंसिल हो जाएंगे R12 डिवाइड बाय R1। इसके अलावा यदि मैं इन दोनों को कर चुका हूँ, इन दोनों को करूँ तो R32 बोलो या 238। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R13 इन द टर्म ऑफ R12 एंड R23 इन द टर्म ऑफ R1। We are not going to use the first equation का यूज हम नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का यूज कर रहे हैं। तो इसको ना लिखें तो भी चलेगा। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। तब दिया 4, वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? R13 is equal to R3 divided by R2 into R12। अब हमने नाम दे दिया 4। इसे कब नाम दिया? फिर R23 निकाल कर R3 डिवाइड बाय R1 इंटू R12। हमें R1 चाहिए तो यहाँ रख दे वैल्यू। बाद में फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो मैंने पहले बनाई थी, इन दोनों केसेस में रखते हुए। क्या बनाए? इज इक्वल टू ठीक है, इसको भी रखते हैं। अब यहाँ से इन वैल्यूज को फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। क्या जाएगा? R1 इज इक्वल टू R12 एज इट इज रहने दो, R13 की जगह लिख दो R3 डिवाइड बाय R2 इंटू R12 डिवाइड बाय R12 एज इट इज रहने दो। और R23 की जगह क्या लिखोगे? R3 डिवाइड बाई R1 इंटू R12। और R13 की जगह क्या लिखोगे? R3 डिवाइड बाई R2 इंटू R12। आ गया समझ में इतना? हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है, इनका यूज भी करेंगे R2 R3 निकालने में। अभी हम R1 निकालना चाह रहे हैं तो सिर्फ इक्वेशन 1 का और 4-5 का यूज हो रहा है। R12 कॉमन लिया हमने तो ऊपर हमें मिल जाएगा R3 इंटू R12 डिवाइड बाय R2, और एक R12 हमने बाहर किया। नीचे से R12 कॉमन लिया तो 1 प्लस R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R3 डिवाइड बाय R2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ मुझे मिलेगा R3 इंटू R12 डिवाइड बाय R2, और LCM ले लिया हमने R1 इंटू R2, तो यहाँ से मिल जाएगा R1 R2 से R2 कैंसिल। ठीक है, किस चीज़ की इक्वल है? इक्वेट किया इसको हमने R1 से। हमें R12 की वैल्यू चाहिए क्या? R12 की चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा R12 इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो R1 से R1 कैंसिल, R1 R2 प्लस R2 R3 R1 R3 और डिवाइड पूरी को किससे करना है हमें? R3 से। ठीक है, कर ले। मतलब इसमें भी R3 का डिवीजन, इसमें भी R3 का डिवीजन, इसमें भी R3 का डिवीजन। R12 कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा, इस वाले टर्म से कितना आ जाएगा? R1। इस टर्म से कितना आ जाएगा? R2। और यहाँ से कितना आ जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R12 की वैल्यू किसके टर्म में आ गई? R1 R2 और R3 के टर्म में। इसी तरीके से बच्चों हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे, और सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि R23 होगा R2 प्लस R3 R2 मल्टीप्लाइड बाय R3, और सिमिलरली हमें R13 मिलेगा प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R3। नोट डाउन कीजिए।